एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है और उस टावर से 120 मीटर दूर पे क्या कर रहा है, उस टावर के टॉप को जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है एट ग्राउंड इज 45 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टार फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर, यदि जो है जो टावर है और टावर के टॉप पे जो होता है एक झंडा लगा दिया, फ्लैग स्टॉप लगा देता है, तो अब उसके टॉप का जो एंगल जो बन रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि जो उस टावर के टॉप पे, उस टावर जो है टावर के टॉप पे जो है जो हमने फ्लैग स्टाफ लगाया था उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन कितना है, 5 है, 5 पे ओके। देखिए एक टावर, एक ग्राउंड लेवल है ठीक है, और इस ग्राउंड के ऊपर एक टावर है ठीक है, यह टावर है ठीक है, ये टावर है। एक और पिन, रेड पिन किधर है उससे, ताकि आपको विजुअल अच्छा से होगा। तो देखिए ये टावर है, तो यहां पे टावर हम मेंशन कर दे रहा हूं, टावर ओके। और इस टावर के टॉप में, डैट मीन्स जो होता है यहां तक मान लेते टावर है, और इसके टॉप में जो होता है यहां पे जो होता है फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ है ठीक है, इसका टॉप में ठीक है। तो कह रहा है कि जब इस टावर की जो बॉटम है, इस बॉटम से 120 मीटर अवे, 120 मीटर अवे, डैट मीन्स यहां पे आ गया, ये 120 मीटर पे है ठीक है ओके, नो प्रॉब्लम। तो जब क्या होता है, इस टावर के इस पॉइंट से 20 मीटर अवे से ऑन द ग्राउंड जब इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया जाता है तो एंगल जो फॉर्म होता है कितना हो रहा है, वह आपका 45 डिग्री हो रहा है, यहां पे 45 डिग्री। लेकिन यदि जो है इस फ्लैग स्टाफ के टॉप को यहां पे इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसके टॉप को, तो इसी पॉइंट से ऑब्जर्व किया, मान लेते यह पॉइंट आपको ऑलरेडी मेंशन हुआ है, यह पॉइंट इज ए ओके, तो इसको देखा जाता कितना एंगल फॉर्म रहा है, तो यह एंगल फॉर्म रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री या 60 डिग्री ओके। देन क्या बोला है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी हाइट बोला है। तो हम मान लेते हैं, यहां देखिए मान लेते हैं हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी वाई मीटर्स ओके। तो लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी वाई मीटर, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इसको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एट पॉइंट, मान लेते बी और दिस इज सी एंड दिस इज डी ओके। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ट्रायंगल बड़ा से शुरू करते हैं, ए डी सी, ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी ओके, इन ट्रायंगल ए डी बी में, तो ए डी बी में क्या लिखा है, 10 45, देखो 10 ए डी बी में चलते हैं तो बड़ा एंगल 60 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 60 इज इक्वल टू पी बाई बी, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। तो जब बड़े वाले में आते हैं तो पी आपका जो होता है ये 10 60 सामने, डैट मीन्स होता है बी सी, बी सी प्लस सी डी हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस एंगल के सामने वाला क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी इज पी एंड इट्स बेस इज ए बी ओके, ए बी। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री, बी सी इज वाट, तो बी सी का भी वैल्यू मेंशन नहीं दिया है, बी सी का भी वैल्यू नहीं है इसमें, तो इसको मान लेते हैं तो टावर का भी, तो लेट बी वाई एंड यहां पे टावर, टावर भी इसको एच मान लिया ओके, नो प्रॉब्लम, एच मीटर। तो रूट थ्री, तो बी सी इज वाट, एच मीटर, सी डी इज वाट, वाई मीटर,
एवी इज 120, ओके 120 क्रॉस मल्टीप्लाई 120 रूट 3 इक्वल टू एच प्लस वाई, ओके देन इसकी वैल्यू यहीं पर रखते हैं, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सपोज अपना ये इक्वेशन 1, ओके तो इक्वेशन 1 आ गया, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं इन ट्राइंगल्स होता है स्मॉल ट्राइंगल, टेक स्मॉल ट्राइंगल ए सी बी, ए बी सी कहो या ए सी बी को बोथ आर सेम, ओके इन ट्राइंगल जो है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इसमें 10 45, देखो इस एंगल ए बी सी में दिस इज ये एंगल है, ठीक है तो 10 45, तो 10 45 इज इक्वल टू पी बाई बी, पी फॉर परपेंडिकुलर अपोजिट टू दिस एंगल्स, ओके एंड बी सी, बी सी इज एंड बेस इज ए बी, ओके तो 10 45 द वैल्यू ऑफ 10 45 इज 1 एंड बी सी इज वॉट एच एंड ए बी इज वॉट 120, ओके देन क्रॉस मल्टीप्लाई तो 120 इक्वल टू एच, सपोज इक्वेशन 2, ठीक है तो यहां पे तो एच का वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू कितना आ गया इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, एच इक्वल टू कितना हो गया 120, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इक्वल टू 120 इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ओके देन 120 रूट 3 इक्वल टू एच प्लस वाई, ओके देन 120 रूट 3 इक्वल टू एच, व्हाट द वैल्यू ऑफ एच 120, तो 120 प्लस वाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, देन इसको वाई क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे तो 120 रूट 3 देन 120 इधर लाएंगे तो माइनस 120 इक्वल टू वाई, तो कॉमन करेंगे 120 तो रूट 3 माइनस ऑफ वाई, ओके देन इसको इस साइड सॉल्व कर देता हूं तो वाई इक्वल टू 120, तो वैल्यू ऑफ रूट 3 इज 1.7732 माइनस ऑफ 1 देन वाई इक्वल टू 120 इंटू 0.732, ओके देन वी कैन मल्टीप्लाई इट्स देन सब्ट्रैक्ट इट एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 120 इंटू 0.732 देन 87.84 मीटर द वैल्यू ऑफ वाई, ओके डैट मीन्स होता है हाइट ऑफ द फ्लेग स्टाफ इज 87.84 मीटर्स, तो यहां पे राइट डाउन हेंस द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज वॉट 87.84 मीटर, ओके